दोस्तों, YouTube के लिए वीडियो बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। YouTube वीडियो के लिए थंबनेल का भी खास महत्व होता है, क्योंकि थंबनेल वीडियो का वह भाग है जिस पर व्यूअर की सबसे पहले नज़र पड़ती है। ऐसे में थंबनेल का अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो व्यूअर उस पर ज़रूर क्लिक करेगा, और व्यूअर उस पर क्लिक करेगा तो आपके वीडियोज़ के व्यूज बढ़ेंगे। और अगर आपके कंटेंट में दम है, आपके वीडियो के कंटेंट में पावर है, तो वो आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल और एक अट्रैक्टिव थंबनेल किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YouTube मास्टर पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक अट्रैक्टिव और एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, इसमें आप टाइप कीजिएगा पिक्सेल लैब। जैसे ही आप पिक्सेल लैब टाइप करते हैं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आ रहा है पिक्सेल लैब टैक्स ऑन पिक्चर्स, इसको आप ओपन कीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको सामने नज़र आता है अनइंस्टॉल और ओपन। बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये इसको मैं ओपन करूँगा, लेकिन आपको इसको पहले डाउनलोड करना है और इसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देखिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आता है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग तरह के बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि इसकी जो YouTube है, इसकी थंबनेल की साइज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो साइज़ डिफाइन करने के लिए जो आपको कॉर्नर में जो थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज साइज़ आपका ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इमेज साइज़ का पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कस्टम देख रहे हैं, इस कस्टम पे आपको क्लिक करना है। देखिए, कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं YouTube चैनल बैनर के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है YouTube थंबनेल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो YouTube थंबनेल है उसकी रेशो आपको दिख रही है 16:9 की रेशो है, और इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद में आपको ओके करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो YouTube थंबनेल का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इमेज डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है इसके बैकग्राउंड की, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कलर का, तो कलर पे क्लिक कीजिएगा। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर के दो ऑप्शन मिलते हैं, कलर और ग्रेडियंट, ठीक है। कलर जो होते हैं वो नॉर्मल कलर होते हैं, जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर, इस मामले में ब्लैक ले लिया, और जो ब्लैक लेने के बाद, इस मामले में वाइट किया या ब्लैक लिया, तो जो राइट वाला मार्क है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये कीजिएगा, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मान लीजिए कि टैक्स को आपको डिफाइन करना है, टैक्स जो है आप इस पर क्लिक करते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन है जो ए लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो टैक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं, साइज है, कॉपी है, और इसका जो कलर है, टेक्सचर है, ओपेसिटी है, रोटेट है, इसका जो फॉन्ट है, स्टाइल है, और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रोक आपको लगाना या नहीं लगाना, शैडो है या इनर शैडो आपको लगानी है, ठीक है। इसका जो 3D टैक्स है, या आपको जो टैक्स है इसको रोटेट करवाना है, इसको शैडो देनी है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर टाइप कर लेता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम जो है YouTube मास्टर है, मैं इस पर लिख देता हूँ YouTube मास्टर, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे ओके का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए साइज़ वाला ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये लिया साइज़ को मैंने छोटा कर लिया, और इसको मैंने इसको बढ़ा दी, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरे को इसको साइज़ बढ़ानी है, घटानी है, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, देखिए ओके, और इस पर राइट मार्क पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसका कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रेड लेना है, वाइट लेना है। और फिर जो ये दो आपको बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट मार्क और क्रॉस वाला, तो आपको राइट पे क्लिक करना है, तो जो प्रॉपर्टीज़ आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें फॉन्ट लेना है,
देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फॉन्ट्स वाला, ये फॉन्ट जो होते हैं इस ऐप में बाय डिफॉल्ट आते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे जो फॉन्ट हैं आपको मिलेंगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है माई फॉन्ट, यहाँ पे आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग स्टाइलिश फॉन्ट जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन फॉन्ट्स को किस प्रकार ऐड करते हैं, आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार ऐड करेंगे, ये मैं आपको एक नए वीडियो के थ्रू बताऊँगा। अगर मैं इसमें आपको बताऊँगा तो आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट किस प्रकार ऐड करते हैं मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये फॉन्ट ले लिया, ये फॉन्ट लेने के बाद आप इस पर ओके पे क्लिक कीजिएगा, जो फॉन्ट आपने लिया है वो इस पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, जैसे मान लीजिए मेरे को 3D टेक्स्ट बनाना है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, दो देख लीजिए ऑब्लिक, जो भी जिस प्रकार का टेक्स्ट आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको रोटेट करवाना है आपको तो आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, जिस तरह जिस डायरेक्शन में आपको रोटेट करवाना है आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस ऐप के थ्रू आप एक अट्रैक्टिव और एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीच वाला बटन है, जो बीच वाला बटन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं। देखिए स्टिकर आपको जो भी लेना है तो आपको स्टिकर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने रेड कलर का लिया तो जिस प्रकार आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना है या आपको स्टिकर लगाना है, सैप्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे सैप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आप सैप्स यूज करेंगे आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एरो का यूज़ करना चाहते हैं आप, एरो बढ़ाना चाहते हैं, एरो की अलग अलग शेप आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर वाले बटन दे रखे हैं, देखिए जो प्लस वाला साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैक्स है, करंट डेट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, स्टिकर है, सैप्स हैं और गैलरी यानी कि जो आपकी फ़ोन गैलरी है वहाँ से भी आप इमेज को चूज कर सकते हैं और उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ करना है जो भी आपको ड्रॉ करना है आपसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड ऑप्शन है ये वाला, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, अपनी इमेज को आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या किसी भी मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में कोट्स मिलते हैं, मोटिवेशनल कोट्स मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी, इंस्पायरेशन, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप के कोट्स मिल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस प्रकार के थंबनेल बनाते हैं, जैसे कोई भी कोट्स से रिलेटेड थंबनेल बनाते हैं, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ पे कोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो थ्री डॉट दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसका ट्यूटोरियल भी दे रखा है इसमें आपकी इसको किस प्रकार यूज़ करें आप, ठीक है। जो फुल स्क्रीन भी यूज़ करना चाहते हैं, अपने गैलरी से इमेज यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कहने का मतलब है कि आप जो पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, इसका यूज़ करके आप एक अट्रैक्टिव और एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप अगर सीखना चाहते हैं कि इस पिक्सल लैब में फॉन्ट किस प्रकार ऐड करते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं कि इसमें किस प्रकार फॉन्ट ऐड किए जाते हैं, मैं एक नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।